हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने आपको क्वांटम अंकों के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में समझाया था और बताया था कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए सॉल्व किया जाता है तो किस प्रकार से उनकी व्युत्पत्ति होती थी। आज हम संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके जो कुछ बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। संकरण आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो और कुछ बिंदु आपको वही मिलेंगे। पहला जो पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जितने परमाणुक कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, दूसरा बिंदु है, प्रत्येक संकरित कक्षक का एक तरंग फलन होता है जो परमाणुक कक्षकों के तरंग फलन के रेखीय संयोग से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट इज, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ इट्स ओन वेव फंक्शन विच इज ऑब्टेंड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट, संकरित कक्षकों के तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होते हैं तथा एक दूसरे के लंब कोणीय होते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो इस, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉर्मलाइज्ड एज वेल एज ऑर्थोगोनल विद ईच अदर। मैथमेटिकली उनको इसको इस तरह से लिखा जाता है, नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल कंडीशन को। फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल साइज स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1 ओवर द एंटायर रेंज एंड साई आई साई जे इज इक्वल टू 0 होगा। यदि अलग अलग ऑर्बिटल हैं तो उनका इंटीग्रेशन 0 होता है उनके मल्टीपल का, और किसी एक ऑर्बिटल के लिए नॉर्मलाइज कंडीशन साई आई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टाउ इज इक्वल टू 1 होता है। जो फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि एस कक्षक पूरी तरह से सममित है अतः इसका योगदान सभी संकरित कक्षकों में एक जैसा एक समान होता है। सिंस एस ऑर्बिटल इज फुली सिमेट्रिक देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, ये चार पॉइंट ही हैं मुख्य रूप से जिनको हम हाइब्रिडाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहला जो हमारा डिस्कशन है वो है एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप जानते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कुल मिलाकर के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इन sp hybridization one s orbital and one p orbital undergo hybridization to form two hybrid orbitals which are called sp hybrid orbitals। इन hybrid orbitals के wave function को हमने साई से लिखा है, जबकि atomic orbital के wave function को हम phi से denote कर रहे हैं। तो इस तरह से साई वन की value आ जाती है a1 phi s plus b1 phi px, और साई टू की वैल्यू लिख दी गई है A2 phi s प्लस B2 phi px। अब जरा इसमें थोड़ा सा ये नोट करिए ये बात कि phi s और phi px ये तो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन। A1 जो है वो s ऑर्बिटल का कोफिशेंट है साई वन के लिए, और इसी तरह से B1 है px ऑर्बिटल का कोफिशेंट है साई वन के लिए, और A2 और B2 इसी तरह से S ऑर्बिटल के कोफिशेंट्स हैं किसके, साई टू हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। और ये आप जानते होंगे कि ये कोफिशेंट का जो स्क्वायर होगा वो उस ऑर्बिटल का योगदान या कंट्रीब्यूशन होगा एक पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। मतलब A1 स्क्वायर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ S ऑर्बिटल टूवर्ड्स साई वन एंड B1 square इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ PX ऑर्बिटल टूवर्ड्स साई वन, एंड सिमिलरली A2 square एंड B2 square आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ S एंड PX ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स साई टू ऑर्बिटल्स। तो हमारा मुख्य मकसद यही है कि A1 A2 और B1 B2 के मान ज्ञात किए जाएं और उनको यहाँ पर रखेंगे तो साई वन और साई टू के तरंग फलन या वेव फंक्शन हमें प्राप्त होंगे। अब किस तरह से प्रोसीड करना है, फर्स्ट पार्ट है इस तरह से कि एस कक्षक सममित होने के कारण दोनों
संकरित कक्षकों में समान योगदान करता है. सिंस एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक सो इट कंट्रीब्यूट्स इक्वली टूवर्ड्स बोथ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अर्थात इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ए वन स्केयर इज इक्वल टू ए टू स्केयर, बराबर हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि ए वन स्केयर एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल में और ए टू स्केयर उसी एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में. तो इनके स्क्वायर बराबर होंगे कोफिशियंट्स के. ये इसको नंबर वन इक्वेशन के रूप में लिखा गया है. अब आगे कैसे प्रोसीड करना है देखिए. साई वन प्रसामान्यीकृत है, साई वन इज नॉर्मलाइज्ड. तो साई वन स्केयर डी टाउ इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बराबर वन होगा और इनकी वैल्यू कर रखेंगे ए वन फाइव एस प्लस बी वन फाइव पी एक्स का होल स्केयर डी टाउ इज इक्वल टू वन. और इसको जब सॉल्व किया जाएगा इनकी वैल्यू रख दी जाएगी ए वन स्केयर फाइव एस स्केयर डी टाउ प्लस बी वन स्केयर फाइव पी एक्स स्केयर डी टाउ प्लस टू ए वन बी वन और ये फाइव एस फाइव पी एक्स है, इसका स्क्वायर है सिंपली डी टाउ इज इक्वल टू वन हो जाएगा. और अब आप इसको आप जानते होंगे कि एस ऑर्बिटल खुद में भी नॉर्मलाइज्ड होता है, तो इसका स्क्वायर डी टाउ बराबर वन होगा. इसी तरह से इसका स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू वन होगा और स्क्वायर वाली टर्म वन हो जाएंगी और ये जो क्रॉस जो मल्टीप्लाई किया गया है फाइव एस फाइव पी एक्स वो ज़ीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एस और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं. तो हमारी इक्वेशन ये रिड्यूस होकर के रह जाएगी ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर इज इक्वल टू वन. केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म रह जाएंगी, जो थर्ड टर्म है वो ज़ीरो हो गई है. अब क्योंकि ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर वन है, सब समीकरण एक ने बता दिया वो तो, और सॉरी क्योंकि ए वन स्केयर इज इक्वल टू ए टू स्केयर इज इक्वल टू वन बाई टू है जैसे पहले बता चुके हैं, तो और ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर इज इक्वल टू वन अभी अभी बताया, तो इसका अर्थ ये होगा कि ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू हो जाएगा. अर्थात ए वन और ए टू की वैल्यू वन अपॉन रूट टू ले ली गई हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए, क्योंकि ध्यान रखिए ये यहाँ से मिला था ए वन स्केयर इजिकल टू ए टू स्केयर इजिकल टू वन बाई टू. अर्थात ए वन स्केयर भी वन बाई टू है और ए टू स्केयर भी वन बाई टू है, तो दोनों की वैल्यू वन अपॉन रूट टू हो गई है. अब रह गया तो ठीक है, ए वन और ए टू की वैल्यू तो एक झटके में हमें मिल गई है. अब रह गई बी वन और बी टू की वैल्यू निकालनी. अब क्योंकि इक्वेशन वन जो थी उसमें ये लिखा गया था कि ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर इजिकल टू वन, ये पहले ही नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हमने निकाल रखी है समीकरण एक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और ए वन स्केयर की वैल्यू रखते हैं वन बाई टू, तो बी वन स्केयर की वैल्यू भी वन बाई टू हो जाएगी और उसको वन अपॉन रूट टू लिख दिया गया बी वन को इस उस हिसाब से. ठीक है, तो बी वन की वैल्यू भी आ गई है और अब केवल बी टू की वैल्यू ही रह जाती है. उसके लिए आपको कंडीशन लगानी होगी कि साई वन और साई टू परस्पर लंबकोणीय अर्थात ऑर्थोगोनल हैं. तो उसके लिए आप देख सकते हो ये कंडीशन है साई वन साई टू इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो उसको यदि आप पुट करते हैं तो देखिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, साई वन की वैल्यू ए वन फाइव एस प्लस बी वन फाइव पी एक्स रखी गई है और इसी तरह से साई टू की वैल्यू ए टू फाइव एस प्लस बी टू फाइव पी एक्स रखी गई है और इंटीग्रेट इनके मल्टीपल को इंटीग्रेट किया गया है ओवर द एंटायर रेंज इज इक्वल टू उसको ज़ीरो भी रखा जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल थे. और इसमें अब आप देखिए फाइव एस स्क्वायर की टर्म एक तरफ कलेक्ट कर ली है, इसी तरह से फाइव पी एक्स स्क्वायर की टर्म एक तरफ कलेक्ट कर ली गई है. उनके कोफिशियंट ए वन ए टू तो फाइव एस स्क्वायर के हैं और बी वन बी टू फाइव पी एक्स स्क्वायर के हैं. इसी तरह से जो क्रॉस टर्म है फाइव एस और फाइव पी एक्स की और उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है थर्ड और फोर्थ टर्म के रूप में, ये वाली और ये वाली, और इनकी वैल्यू वापस ज़ीरो के बराबर कर दी गई है. अब देखिए ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये ज़ीरो ये एक के बराबर होगी. क्यों? आप जानते हो ये क्योंकि दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड, एस ऑर्बिटल भी नॉर्मलाइज्ड है, पी ऑर्बिटल भी नॉर्मलाइज्ड, तो ये भी वन हो जाएगा
ओके और जो क्रॉस टर्म्स हैं जिनमें एस और पी एक्स टर्म हैं उनकी वैल्यू लेकिन ज़ीरो हो जाएंगी भाई, क्योंकि ये एस और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में ऑर्थोगोनल हैं और ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो केवल चार जो टर्म थी उनमें से दो ही रह जाएंगे और वो होंगी पहली और दूसरी, और इसका अर्थ है कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ए वन वन अपॉन रूट टू, ए टू वन अपॉन रूट टू, इनकी वैल्यू रख दी गई है। बी वन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू रखी निकाली थी हमने, और इस तरह से केवल बी टू ही अननोन रह गया, और बी अब आपका बी टू अपॉन रूट टू बराबर माइनस वन बाई टू हो जाएगा और बी टू की वैल्यू हो रह जाएगी वन अपॉन रूट टू विद माइनस साइन। अब देखिए बी टू की वैल्यू वही आ रही है यूँ तो बी वन के बराबर, लेकिन वहाँ प्लस था या माइनस वैल्यू हो गई है, तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि बी वन की वैल्यू, क्योंकि बी वन स्क्वेयर बराबर वन अपॉन रूट वन अपॉन टू था, तो बी वन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू जब ली थी हमने प्लस ले ली थी, तो प्लस लेने पर ये माइनस अपने आप आ गई है, तो यहाँ पर बॉदर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। तो साई वन की वैल्यू वन अपॉन रूट टू फाई एस प्लस वन अपॉन रूट टू फाइव पी एक्स हो जाएगी, ए वन और बी वन के वैल्यू रखे हैं हमने, और इसी तरह से साई टू की वैल्यू वन अपॉन रूट टू फाई एस जो कि ए टू की वैल्यू थी माइनस वन अपॉन रूट टू फाइव पी एक्स, ये बी टू की वैल्यू रखी थी, तो केवल यहाँ पे माइनस का ही अंतर है वो भी बी टू के में। तो दो वेव फंक्शन आपके आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, इसलिए एक को प्लस पहले ही ले लिया था, जब प्लस उसको लेते हैं तो माइनस अपने आप आ गया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यदि एस पी ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का डेरिवेशन आए तो केवल आपको साई वन और साई टू की वैल्यूज़ ही निकालनी है जो कि इस तरह से आती हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई एस पी ऑर्बिटल जो दो बने हैं उनके मध्य कोण कैसे निकालेंगे। आप जानते हो कि साई वन और साई टू दो तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने डिराइव करे, इसमें से साई वन जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको आप एक्स अक्ष पर मान सकते हैं, और उसके सापेक्ष साई टू ऑर्बिटल कितने एंगल पर है वो आपको पता करना है। तो बेसिकली साई वन को परमानेंट हमने एक्स अक्ष पर डाल दिया और साई टू की वैल्यू आपको निकालनी है। साई टू के लिए आपको बताना है कि वो कितने एंगल पर ओरिएंटेड है, तो इसलिए ये हमने लिख भी रखा है, माना साई वन कक्षक एक्स अक्ष पर है तो साई टू कक्षक की दिशा को ज्ञात करने के लिए कोण फाई के सापेक्ष अवकलित किया जाएगा, क्योंकि एक्स वाई तल में थीटा बराबर है 90 डिग्री। हमने ये मान लिया है कि हमारा जो ऑर्बिटल है साई वन या साई टू वो एक्स वाई ऑर्बिटल में है, सॉरी एक्स वाई तल में है, एक्स वाई प्लेन में है, जिसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। आप यदि उसमें पोलर कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। आई विल से दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, वी एज्यूम दैट साई वन ऑर्बिटल इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन द एंगल विच साई टू मेक्स विद साई वन, दैट एंगल इज फाई, बिकॉज इन एक्स वाई प्लेन इन विच वी आर पुटिंग द टू ऑर्बिटल्स द थीटा इज 90 डिग्री। ओके तो साई टू को रीराइट करते हैं वन अपॉन रूट टू फाइव एस माइनस वन अपॉन रूट टू फाइव पी एक्स, और फाइव एस की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई का अंडर रूट, आप जानते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक से हमने इनकी वैल्यू निकाल बताई थी, फाइव पी एक्स की वैल्यू है थ्री अपॉन फोर पाई वन अपॉन रूट टू, थ्री अपॉन फोर पाई का अंडर रूट साइन थीटा कॉस फाइव, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 91 हो जाएगा तो केवल कॉस फाई रह जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है ये रह जाएगा फाइव पी एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 4 पाई का अंडर रूट कॉस फाई हो जाएगा, इस फाई को निकालना है। तो साई टू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, फाइव पी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई रूट माइनस 1 अपॉन रूट टू, और फाइव एक्स को इसकी वैल्यू रख दी है 3 अपॉन 4 पाई का अंडर रूट और इनटू कॉस फाई। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, डी साई टू बाई डी फाई, ये फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म है कॉस फाई, कॉस फाई का
डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो माइनस साइन फाई हो जाएगा, दैट्स इट, केवल एक ही टर्म है। इसका मतलब ये है, और उसको ज़ीरो करना होगा ये साइन, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो इसलिए रखा गया है क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो रखा जाता है। तो हम वो एंगल पता कराना चाहते हैं फाई का जिस पर वेव फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो हो, तो इसलिए इसको ऐसा किया गया है। तो इसका मतलब है साइन फाई ज़ीरो हो जाएगा, और जब साइन फाई ज़ीरो हो जाएगा तो फाई की वैल्यू ज़ीरो और पाई दो हो सकती है। अब ज़ीरो तो एंगल होगा नहीं, क्योंकि ये ध्यान रखिए फाई वो एंगल है जो साई टू साई वन के साथ बनाता है। फाई इज़ द एंगल विच साई टू इज़ मेकिंग विद साई वन, सो इट विल नॉट बी ज़ीरो। यदि ज़ीरो होगा तो दोनों ही साई वन और साई टू ऑर्बिटल एक ही दिशा में मतलब एक तरह से सुपर इम्पोज करेंगे, ये हम नहीं चाहते। इसका मतलब है फाई इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। सो दैट्स व्हाट वी गेट, कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के मध्य जो कोण है वो 180 डिग्री है। तो हम ये हमने प्रूव कर दिया जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनके मध्य जो कोण है वो 180 डिग्री होता है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। sp से थोड़ा सा ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व होंगी, उसमें sp2 संकरण होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।